हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के लिए शॉर्ट ट्रिक लेके आने वाला हूं, तो आज उसका पहला लेक्चर है, पहला वीडियो है आपके शॉर्ट ट्रिक का फॉर द जेई एग्जामिनेशन, राइट। और आज का जो हमारा टॉपिक है, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। और इसके अंदर एक चीज जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं करी है, वो है ट्रिक, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि जब अपन प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखते हैं जेई के, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आप सारे क्वेश्चंस पे क्या करने बैठो, कॉन्सेप्ट अप्लाई करने बैठो, तब तो बहुत टाइम लग जाएगा। और आपको एक क्वेश्चन के अंदर एक से दो मिनट का टाइम ही देना है, उससे ज्यादा नहीं देना है। लेकिन चूंकि हमको सारे कॉन्सेप्ट लगाने होते हैं, तो हम क्या करते हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते रहते हैं, ठीक है। तो उसी चीज को कम करने के लिए टुडे वी हैव वन शॉर्ट ट्रिक, जो कि मतलब मैंने भी सीखा है, मैंने बनाया है, और कई जगह मैंने उसको अप्लाई भी किया है, तो आपके लिए वो क्या होगा, काम का होगा, ठीक है ना। तो देखिए, जब भी अपना स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की बात करते हैं, तो कुछ चीजें हैं जो आपको मैं बता दूं कि जैसे जब भी हम स्टेबिलिटी की बात करें, तो हमारे पास दो तीन टॉपिक होते हैं। एक तो होता है इंडक्टिव इफेक्ट, एक तो आप इंडक्टिव इफेक्ट के साथ में इसको आंसर कर दो। एक होता है इसके अंदर आपका हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। तीसरा इसके अंदर होता है आपका क्या, रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन केवल इंडक्टिव इफेक्ट पे पूछा गया है, तब तो उसको आंसर कर दो, ठीक है ना, क्योंकि आप सब पढ़ ही रहे हो इतना, तो ऑब्वियस सी बात है आपको इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस इफेक्ट सबको मालूम है, ठीक है। जिनको मालूम नहीं है वो मुझे कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं इस पे फिर दूसरा लेक्चर आपको बना दूंगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर केवल मैं आज आपको शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं, इन टॉपिक्स पर हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे बिल्कुल भी, ठीक है। जिनको ये तीनों टॉपिक्स आते हैं, ठीक है, जिनको एक बेसिक सा फंडामेंटल क्लियर है कि हाउ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन वर्क्स, हाउ कैन वी डिफाइन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन ऑर्डर, तो उनके लिए ये वीडियो है, जो केवल ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं। जो ये टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो बिल्कुल नहीं है। तो जो इस उम्मीद से आए कि आज उनको टॉपिक पढ़ाया जाएगा, तो उनके लिए वीडियो नहीं है, तो आप इसको अभी कैंसिल कर दीजिए, इसको हटा दीजिए, ठीक है। मैं आता हूं केवल उन स्टूडेंट्स के पास में जिनको ये टॉपिक्स आते हैं, और आज केवल इन टॉपिक के माध्यम से हम लोग ट्रिक सीखेंगे, ठीक है। तो मैं ऐसा कह रहा था कि जिन लोगों ने ये तीनों टॉपिक्स पढ़ रखे हैं, जिनको अच्छे से आते हैं, उन्हीं के लिए ये ट्रिक क्या है, काम की है, ठीक है। तो आप अगर आपके पास में इंडक्टिव का कोई क्वेश्चन आया है, तो उसको आप इजीली कर जाओगे। हाइपर कॉन्जुगेशन का आएगा तो भी आप कर जाओगे, रेजोनेंस इफेक्ट का आएगा तो भी आप कर जाओगे। कैसे, अगर इंडक्टिव इफेक्ट का क्वेश्चन आया है, तो आप क्या करोगे, जिसमें ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है तो वो उसका आंसर हो जाएगा, वो ज्यादा स्टेबल होगा। जिसमें हाइपोकॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स ज्यादा बन रही है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, ज्यादा वो कार्बन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। और जिसके अंदर रेजोनेंस इफेक्ट ज्यादा हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है, वो भी ज्यादा क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। लेकिन कई बार क्या करते हैं एग्जामिनर्स, जब आप क्वेश्चंस में उठा के देखोगे, तो ऐसे क्वेश्चंस भरे हुए हैं, ठीक है ना, जिसके अंदर मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स का यूज किया जाता है। मल्टीपल कॉन्सेप्ट मतलब केवल इंडक्टिव इफेक्ट का क्वेश्चन नहीं आया, इन दोनों को मिला के क्वेश्चन दे दिया, इन दोनों को मिला के क्वेश्चन दे दिया, ठीक है ना। तो उस केस के अंदर हमारे फिर ट्रिक काम करती है, क्या करने के लिए, टाइम को सेव करने के लिए, ठीक है। अब ट्रिक बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब मैंने क्वेश्चन पेपर्स देखे, तो उसके अंदर ये तीन कंपाउंड बहुत ज्यादा क्वांटिटी में थे। जैसे कि एक तो था आपका बेंजीन वाला कंपाउंड, ठीक है, जिसको अपन फिनाइल भी बोलते हैं, जब ये किसी के साथ बॉन्डिंग करता है, तो मैंने बताया था आपको। एक होता है मिथाइल कंपाउंड CH3, और एक होता है इसके अंदर आपका प्रोपाइल कंपाउंड, कुछ इस तरह से। तो ये तीन कंपाउंड अगर आप किसी क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखे हैं, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर आपको इन तीनों का यूज किया जाएगा, ठीक है ना, और बताया जाएगा कि हाउ कैन वी स्टेबलाइज देयर कार्बोकैटायन, ठीक है ना, या फिर आप क्या कीजिए, इन कार्बोकैटायन्स का स्टेबिलिटी कैलकुलेट कीजिए। मैंने तो एग्जांपल भी आपने लिए, मैं ऐसा भी आपको बताऊंगा, ठीक है। अब अगर आपके पास में मल्टीपल कॉन्सेप्ट है, मैं सीधे ट्रिक पे आ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास में मल्टीपल क्या बोलते हैं टॉपिक्स का कोई क्वेश्चन अगर है, जिसमें एक से ज्यादा टॉपिक्स का क्या किया गया है, यूज किया गया आपको आंसर पूछने के लिए, तो उस केस के अंदर आपको ये इन तीनों में से क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलेंगे। आप चाहे तो प्रीवियस ईयर के पेपर्स देख सकते हैं, उसमें आपको ये चीज मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर किसी क्वेश्चन के अंदर ये तीनों में से कुछ भी यूज किया गया है, तब क्या करना है आपको, आपको एक चीज यूज करनी है, क्या, इसको आप
नंबर के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं अगर मल्टीपल टॉपिक्स है तो। कैसे करेंगे, CH3 को आप नंबर दे दीजिए 1, ठीक है। बेंजीन जो है आपका जो फिनाइल ग्रुप है इसको नंबर दे दीजिए 2, ठीक है। और जो आपका ये है क्या बोलते हैं साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप, इसको आप नंबर दे दीजिए 3। तो 1, 2, 3 वाला कॉन्सेप्ट मैंने यूज किया है। मैंने ऐसे भी यूज किया क्योंकि इसकी जो प्रायोरिटी है मैंने सबसे कम रखी है, सबसे कम होती है, उससे ज्यादा प्रायोरिटी इसकी रखी है, उससे ज्यादा प्रायोरिटी मैंने इसकी रखी है, ठीक है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। अब लॉजिक मत से मत पूछना कि सर इसका क्या लॉजिक आपने बना, आपने मन से बना दिया। हाँ मैंने मन से बनाया है क्योंकि हमारा मकसद है क्वेश्चन को सॉल्व करना। दिस इज नॉट योर सब्जेक्टिव पेपर, जेई के अंदर सब्जेक्टिव पेपर नहीं होता, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। मतलब आपने अगर सही ऑप्शन को टिक कर दिया तो बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे लॉजिक की बिल्कुल बात नहीं करेंगे, एक्सप्लेनेशन की बात नहीं करेंगे। हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको ये बिना लॉजिकल का जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको याद करना है और आपको इसको अप्लाई करना है क्वेश्चन के अंदर। याद नहीं करना, अप्लाई करके भी देखना, आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे जो आज आप सीख के जाओगे, ठीक है। चलिए तो पहले मेरे पास जैसे ये मेरे पास एग्जाम्पल है, इसको मैं जैसे नंबरिंग देता हूँ, इसको मैंने ए नंबर दिया, बी सी डी और ये ई, ठीक है। अब इस तरह से आपको क्वेश्चन दे दिया, ध्यान से सुनिएगा, मैं ट्रिक बताने जा रहा हूं यहां पे, इस लॉजिक का यूज करते हुए, इस मेथड का यूज करते हुए, ठीक है ना। तो देखिए जिस कंपाउंड के अंदर सबसे ज्यादा क्वांटिटी आई वही आपका मोस्ट स्टेबल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस नंबरिंग, ठीक है। देखिए पहले वाले के अंदर क्या है आपके पास, पहले वाले के अंदर आपके पास है बेंजीन, ठीक है। बेंजीन को हमने क्या नंबर दिया था 2, इसको आप 2 नंबर दे दो, ठीक है। बी वाले के अंदर मिथाइल ग्रुप है, कितना नंबर दिया था 1, इसको आप 3 नंबर दे दो, ठीक है। ये काम करता है, इसको 1, 2, 3 नहीं 10 ले लेते हैं, 10, 20 और 30 ले लेते हैं। चलो ज्यादा नंबर होगा तो आपको क्यों जल्दी करेगा, 20 ये आपका 10 है, ये हो जाएगा तुम्हारा बी वाला 10, 10, 10 दैट इज 30, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सी वाले की, तो मिथाइल ग्रुप भी है और बेंजीन भी है, तो 20 प्लस 10 दैट इज 30, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसकी डी वाले कंपाउंड की, तो इसके अंदर देखो 30, 30 और आपका ये 30, 30 फिर यहां पे 10, ये हो जाएगा तुम्हारा 70, ठीक है। उसकी हम बात करें तो 30, 30, 30 कितना हो गया 90, कितना हो गया ये 90 हो गया, ठीक है। देख लो एक बार ध्यान से, इसको पूरा एक बार ध्यान से देख लीजिए कैसे हमने किया है, कि जो मैंने नंबर लिखा सही है कि नहीं, तो देखिए सबने। तो देखिए अब स्टेबिलिटी का हम देखें, ऑर्डर मैंने अगर अरेंज करेंगे हम लोग कैसे करेंगे, सबसे ज्यादा किसका नंबर है 90 का, तो ई की स्टेबिलिटी हाईएस्ट है, फिर डी की स्टेबिलिटी है, उसके बाद में आप बोलोगे सी और बी के अंदर की वैल्यू तो सेम है लेकिन इसके अंदर बेंजीन नहीं है, इसके अंदर बेंजीन है, जिसके अंदर बेंजीन होता है वो क्या करता है रेजोनेंस करता है, उसके बाद सी, उसके बाद में बी और उसके बाद में ए। देखिए कितना आसान था ये, आप अपने सारे क्वेश्चन में अगर उसको आप लगा कर देखेंगे तो आपका आंसर हमेशा सही ही आएगा, ठीक है ना। और मैं दोबारा कह रहा हूं कि इसका कोई लॉजिक नहीं है, आपको बस उसको अप्लाई करना है, इस चीज को याद कर लीजिए, 10, 20, 30 कॉन्सेप्ट मैं इसको कहता हूं, उसको याद कर लीजिए, आपके सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। आते हैं इसके अंदर, तो देखिए 10, 20 तो कितना हो जाएगा ये 30, 10 और 20, 30 इसमें देखिए 20, 20 और 10 20, 20, 10 कितना हो गया 20, 20, 40 और ये 50, इसमें देखिए 30, 30 और 10 कितना हो गया ये 70, ठीक है। आपको खुद आंसर पता है, अगर मैं इसको ए नंबर दे रहा हूं, इसको मैं बी नंबर दे रहा हूं, इसको मैं सी दे रहा हूं, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा सी, उसके बाद में बी और उसके बाद में ए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि जो मैंने ट्रिक आज आपको सिखाई है, ठीक है, फॉर द जेई एग्जामिनेशन, जेई के अंदर जितने भी क्वेश्चन आते हैं रिलेटेड टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकोटाइन, वो आज आपने सीखा होगा, ठीक है। ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स में और भी डालता रहूंगा लेकिन उसके लिए आपको सीखना है और क्या बोलते हैं आपने जितने भी नीडी दोस्त हैं उनको उनके साथ में शेयर करना है, ठीक है। और अगर आपको इन टॉपिक्स के बारे में नहीं पता या किसी भी तरह की दिक्कत अगर अभी भी आपको आ रही है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर अलग से आपके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, बी कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।